नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ वर्ल्ड में। हूँ आपके साथ दीपिका पांडे। आपने पजल गेम खेला है क्या? अगर खेला होगा तो क्या वो आपको आसान लगता है या कठिन? जाहिर सी बात है, जिनको आता है उन्हें आसान लगता होगा और जिन्हें नहीं आता उन्हें कठिन। पजल गेम उन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक शेप मिलाना होता है। बस उसी पजल गेम के टुकड़ों की तरह एक मंदिर 300 साल बाद बाहर आया, यानी कि 300 साल पुराना इतिहास बाहर आया। कैसे, आइए बताते हैं। दरअसल सीहोर जिला मुख्यालय में 72 किलोमीटर दूर बसा है बीलपान गांव। इस गांव से 3 किलोमीटर दूर है देवबरला इलाका। देवबरला इलाका यानी कि देवताओं की पहाड़ी। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहाड़ी इलाकों में रास्ते कैसे होते। बस इन्हीं पहाड़ियों के बीच में जब मंदिर की खबर मिली तो लोगों को लगा कि ये मंदिर पहले से वहां पर था, लेकिन नहीं, लोगों का सोचना गलत था। कुछ महीने पहले तक वहां मंदिर नहीं था, मंदिर का अवशेष था जो जमीन के नीचे दबा था। पुरातत्व विभाग की मेहनत से ये मंदिर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, अभी 8 और मंदिर खड़े किए जाने हैं। बता दें कि कुछ मूर्तियां वहां पर रखी हुई थी। जब इस बात की जानकारी पुरातत्व विभाग को मिली तब यहां खुदाई शुरू की गई। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी पुरातत्व विभाग के अफसर भी हैरान हो गए। यहां मंदिरों को दोबारा खड़ा कराने की जिम्मेदारी देख रहे पुरातत्व विभाग के अफसर का कहना है कि पहले 4 मंदिरों का बेस मिला। जब हम 5वें मंदिर का बेस तलाश रहे थे तभी हमें 4 और मंदिरों का पता चला, यानी अब यहां कुल मिलाकर 9 मंदिरों के बेस सामने आ चुके हैं। अब तक शिव तांडव, नटराज, उमाशंकर, जलधारी, नंदी, विष्णु, लक्ष्मी की प्रतिमा सहित कुल करीब 30 प्रतिमाएं मिली हैं, जिनमें से कुछ खंडित हैं, बाकी ठीक हालत में हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। करीब 200 फीट से अधिक एरिया में अभी खुदाई हुई है और आगे काम चल रहा है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि ये मंदिर 300 साल पुराने हैं। जब लोगों को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। इस 300 साल पुराने मंदिर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।